इंदौर में कांग्रेस की उम्मीदवारी का हक मांग रहे वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मोती सिंह पटेल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई होने की खबर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल उम्मीदवारी का हक मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच से झटका लगने के बाद अब मोती सिंह पटेल ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है, जहां उन्होंने विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी गई है। सुनवाई जल्द होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल के वकील विभोर खंडेलवाल ने तर्क दिया कि इंदौर में चौथे चरण में लोकसभा चुनाव है, यहां 13 मई को वोटिंग है, इससे पहले मामले की सुनवाई कर ली जाए। कुल मिलाकर अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।